उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार अपने रंग बदल रहा है। पिछले 2-3 दिन लगातार तापमान बढ़ने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया था, पर मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर उत्तराखंड में मौसम बिगड़ सकता है। भारी बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है, तेज हवाएं चलेंगी जिससे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बृहस्पतिवार से अचानक ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग का अलर्ट है कि कई जिलों में घना कोहरा छा जाएगा। पहाड़ों से आने वाली तेज ठंडी हवाओं से उत्तर प्रदेश का मौसम एकदम बदल जाएगा। मखमली कालीन नगरी भदोही में रातें बेहद ठंडी और दिन बेहद सुहावना हो रहा है, लेकिन सूरज ढलते ही मौसम में ठंड होने का एहसास होने लगता है। भदोही से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, ठंड से बचने के लिए सर कहाँ कहाँ सर अलाव के इंतजाम किए गए? अलाव के लिए 16 स्थानों का चयन किया गया है, जो मुख्य बाजार मार्केट हैं जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ 16 स्थानों का चयन किया गया अलाव जलाने के लिए। जैसे ही ठंड प्रारंभ होती है तेजी के साथ में तुरंत अलाव जलवाए जाएंगे, जहाँ आवश्यकता हो रही वहाँ जलाए भी जा रहे हैं। 16 स्थान है जैसे ज्ञानपुर में दुर्गाधन तिराहे पे, शीतलपाल मूर्ति तिराहे पे, ज्ञान सरोवर मंदिर के पास में मीडा रोड तिराहा, ज्ञानपुर हाटल चौराहा तहसील परिसर में, गोपीगंज पड़ाव पे स्टेशन रोड कबूतरनाथ मंदिर, इसी तरह से 16 स्थानों पर चयन किया गया जहाँ पलाव चलाए जाएंगे। उत्तरों की स्थापना की गई एक ज्ञानपुर में और एक गोपीगंज में, जो भी लोग पीड़ित हैं उनके पास स्थान एक ठंड रहने के लोग रहने के में अलाव भी बीच में ठंड बढ़ी थी, उस दिन अलाव जला था, जिस दिन भी ठंड ज़्यादा बढ़ रही है उस दिन अलाव जलाया जाएगा।